ये स्किल आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये स्किल आपको इज्जत, पैसा, प्यार और कई सारे मौके देगी। सिर्फ ये एक स्किल के रहने से आपकी वैल्यू 50% से बढ़ जाएगी। ये स्किल सभी के नाजरों के सामने रहते हुए भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जी हाँ, जो मैं स्किल की बात कर रहा हूँ वो है द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये सिर्फ कम्युनिकेशन वाला वीडियो समझ कर मत छोड़िएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि सक्सेसफुल लोगों का क्या कहना है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। They just learn to communicate better, and both in writing and in person. They increase their value at least 50%. सबने हमें बचपन से ये करो, वो करो, ये फील्ड चूज करो, वो फील्ड चूज करो कहते आए हैं, पर आज तक किसी ने हमसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए नहीं कहा। तो फिर उसका नतीजा आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। जिस इंसान की बातें आपको समझ नहीं आती, क्या आप उस इंसान पर विश्वास कर सकोगे? नहीं ना। आप ये डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर कहने से पहले एक बात कह दूं, जब लोग हमें 10 मीटर के दूरी से ही जज करना शुरू करते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं पर लोग जज नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि दो ऐसे रीजन जिसकी वजह से मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना पड़ रहा है। उससे पहले कम्युनिकेशन क्या है देख लेते हैं। भले ही हम ऑफिस में काम कर रहे हों, दोस्तों के साथ मस्ती या फैमिली के साथ मजे, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर जगह होती है। इसी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम हमारे थॉट्स, एक्सप्रेस और इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब इस शेयर करने के तरीके के ऊपर कम्युनिकेशन को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। अपनी आवाज यूज करो तो वो हो जाती है वर्बल कम्युनिकेशन। आवाज यूज नहीं करके बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स यूज करे तो वो हो जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर लिख कर इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो वो हो जाती है रिटन कम्युनिकेशन। पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स यूज करो तो वो हो जाती है विजुअल कम्युनिकेशन। ये तो छोटा रिविजन था कम्युनिकेशन के ऊपर। अब आते हैं असली मुद्दे पर। एक्टिव कम्युनिकेशन में हम हमारे बारे में ही नहीं बोलते, इसमें सामने वाले की बात सुनना पड़ता है, वो क्या और क्यों बोल रहा है समझना पड़ता है, उसकी ओपिनियंस, फीलिंग्स और थॉट्स की रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, और फाइनली कॉन्वर्सेशन में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखना पड़ता है। बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी कर लेगा। अगर उतना सिंपल होता तो फिर क्यों जब सामने वाला इंसान कुछ कह रहा होता है हम उसकी बातें सुनना छोड़कर आगे क्या बोलना है पर ध्यान देते हैं? वैसे तो अच्छे कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, पर ये रहे मेरे टॉप 2 एडवांटेजेस, और लास्ट वाला आपको भी कम्युनिकेशन सीरियसली लेने पर मजबूर करेगा। नंबर 1, हेल्दी रिलेशनशिप। की टू एनी गुड रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। यही एक चीज है जो हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और लवर्स के रिश्ते को जोड़ कर रखती है, और जब जब कम्युनिकेशन में गैप आता है तब तब रिलेशनशिप में दरार आती है। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, इमोशंस फेड होने लगते हैं और एक कनेक्शन सा टूट जाता है। तब फिर एक ऐसा समय आता है जहां अपने क्लोज फ्रेंड को मैसेज करना भी मुश्किल लगता है, और स्टडीज में ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन ना होने से कितने सारे रिलेशनशिप्स बर्बाद हो चुके हैं। नंबर 2, ब्रिंगिंग आइडियाज टू रियलिटी। एक दिन आपको एक ऐसा आइडिया आ सकता है जिसकी वजह से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, पर उस आइडिया का फायदा है क्या जो आपके दिमाग से निकले ही ना? तब आप क्या कहते हो और कैसे कहते हो ये डिसाइड करेगा कि आपको सपोर्ट, रिसोर्सेज और फंडिंग मिलेगी या नहीं। नोइंग द राइट वर्ड्स टू से कैन मेक ऑल द डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने से अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं इम्प्रूव करने के 1000 रीजन देने से पहले इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। अब मैं 23 ईयर्स का हूँ। इंडिया में रिटायरमेंट की एज 60 मान के चले तभी मेरे पास अभी 40 ईयर्स है। इन 40 ईयर्स में मैं कितने कनेक्शंस बनाऊंगा और मेरे पास कितने आइडियाज आएंगे जो मुझे लाखों करोड़ों बना के दे सकते हैं? इस हिसाब से देखा जाए तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ए बैड आइडिया। वैसे भी कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में यूज होने वाली है, चाहे वो दोस्तों से बात करना, फाइंडिंग ए परफेक्ट पार्टनर, बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर एक दिन देश को चलाना हो। इसी कारण मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है। और इंडिया में जब कभी लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं वो अपने इंग्लिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स का किसी भी लैंग्वेज के साथ नाता नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉलेज हम किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं, पर फिर भी मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करना पसंद करूंगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज से हम एक एरिया में काम कर पाएंगे, वहीं नेशनल लैंग्वेज से हम इंडिया में कहीं पर भी काम कर पाएंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज से हम दुनिया में कहीं पर भी काम करने की क्षमता रख पाएंगे। तो फिर अब क्या? अब जब तक मैं इस चैनल में 30 वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, तब तक वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करूंगा।
अब ये मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये पूरा देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। याद रखो, हमें मास्टरी नहीं करनी है या एग्ज़ाम देना है। जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं क्लियरली और इफेक्टिवली सामने वाले इंसान को समझा सकूँ और सामने वाले इंसान की बातें समझ सकूँ, उस लेवल की कम्युनिकेशन बस है मुझे।